Speed of sound. So let's play. Feet can keep on the ground. Can't stay in one place. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डेडिकेशन के उत्तराखंड दर्शन सीरीज में, जिसके तहत हम आपको उत्तराखंड के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर ले जाते हैं, उनके ऐतिहासिक महत्व की जानकारी देते हैं। तो आज इसी कड़ी में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं चंबा की मुख्य सीमा पर, और चंबा से हम जाएंगे धनोल्टी। चंबा से धनोल्टी के बीच जो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं और जो भी यहाँ पर पर्यटन स्थल है उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, पिछली वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा लाइक दिए, बहुत ज़्यादा शेयर करा। इस बार की वीडियो को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और दोस्तों, आप जानते हैं जैसे कि 66वें फिल्म फेस्टिवल में कल ही उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड से नवाजा गया, तो हम सभी उत्तराखंडियों के लिए खुशी की बात है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं इस बेहतरीन समय में, इस बेहतरीन जगह पे। चलिए सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं चंबा से थोड़ी ही दूरी पर कांडाताल, एक बहुत खूबसूरत जगह। और आज से 10 साल पहले अगर आप लोग यहां पर आते तो इतने एडवेंचर स्पोर्ट्स आपको यहां पर देखने को नहीं मिलते, लेकिन आज यहां पर युवाओं द्वारा एक पहल की गई है और इसको एक एडवेंचर स्पोर्ट्स के रूप में विकसित करने की कोशिश की है। यहां पर एक कोशिश अजय रमोला जी द्वारा की गई है, तो आइए उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा यहां पर कौन कौन से एडवेंचर स्पोर्ट्स लोगों को दिए जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ बनाई हैं हमने युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। जैसे यहाँ पे जिपलाइन वगैरह काफ़ी लोग करते हैं, ब्रिज है, स्काई वॉक है, वैली क्रॉसिंग है, जैंट स्विंग है, स्काई साइकिलिंग है। नई नई एक्टिविटीज़ अभी हम बना भी रहे हैं और चल भी रहे जो हमने पहले से। तो आपके पास प्रतिवर्ष, या फिर मैं कहूँ प्रति महीने, लगभग कितने पर्यटक आते हैं? प्रतिवर्ष के हिसाब से मैं बताऊँ तो हमारे पास मेरे हिसाब से हज़ारों के हिसाब से आ जाते होंगे। अच्छा, देखिए हज़ारों के हिसाब से यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं। इन लोगों की कोशिश है कि पहाड़ को कैसे बचाया जाए। आप जानते हैं पलायन एक बहुत बड़ा दर्द है, लेकिन इन युवाओं द्वारा यहाँ पर बहुत बड़ी कोशिश की जा रही है। तो आइए आगे इन्जॉय करते हैं इन एडवेंचर को। वीडियो में पूरा बनी रहेगा, लाइक कर दो भाई जी के लिए, लाइक करो जो पर्यटन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए चले देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में। कैसा फील हो रहा है आपको? आज मैं आगे, जमाना है पीछे। कैसा फील हो रहा है तुम्हें इस टाइम हवा में लटक के? पर मैं गिरा नहीं दोस्तों, और मैं पहुंच चुका हूं। ताल में हमने इनक्रेडिबल एडवेंचर में करे क्या क्या करा हमने? सस्पेंशन ब्रिज और साइकिलिंग, स्काई साइकिलिंग, और साथ साथ स्काई वॉक करा। और तो आप लोग अगर आए तो यहाँ पर रुके और पर्यटन को बढ़ावा जरूर दें।
और ये देखिए जिप लाइन की तैयारी हो चुकी है और हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए उत्तराखंड पर्यटन की स्थिति से, पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इस समय जिप लाइन की तैयारी चल रही है। दलवीर सर जाएंगे, उम्मीद है वापस आएंगे। आगे है जिप लाइन का नंबर और देख सकते हैं आप कि बहुत लंबी रोप है। अभी देखते हैं किस तरीके से एडवेंचर किया जाता है। ओके, लेट्स गो। Socks and shoes right off. That natural light is so damn polite, can make you feel just like you were young again. दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कर्णताल में और हमें लग चुकी है इसमें भूख। दिन के बज चुके हैं 3:30, तो इस वक्त थोड़ा पेट पूजा हो गया, भूख लगी है। खाना दो, खाना दो, खाना दो। वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। वाह, ये नाइट कैंपिंग के लिए बहुत बेस्ट प्लेस है। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ये जो रूम है, यहाँ पर 3 बेड लग रखे हैं और 4 बेड वाला भी, मोटे मोटे गद्दे बिल्कुल। रात में बहुत अच्छी नींद आएगी। और यहाँ पर ये देख सकते हैं बिल्कुल लैट्रिन बाथरूम सब कुछ अंदर है, अटैच लैट्रिन बाथरूम है। आप देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पर बाथरूम है और ये देख सकते हैं बहुत जबरदस्त ये कैंप है। You turned toward me and looked so weak. I've never seen you with such tired eyes. Everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस समय सुरकंड देवी मंदिर और इस समय हम कद्दूखाल में पहुंच चुके हैं। सुरकंड देवी मंदिर तो यहां से 2 किलोमीटर ऊपर है, तो 1.5-2 किलोमीटर ऊपर यहाँ से सुरकंडा देवी का मंदिर है। जैसे हमने आपसे वादा किया था, चंबा से निकलेंगे और धनोल्टी तक जो भी पर्यटन स्थल पड़ेंगे, जो भी एडवेंचर स्पोर्ट पड़ेंगे, और आप लोगों ने आनंद लिया होगा कि रास्ते का आनंद लिया होगा। और मेन बात, बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत कोहरा हो रहा है, बहुत सर्दी लग रही है। अब धनोल्टी तरफ चलते आगे, लाइक बंद। और आने वाले टाइम पे जल्दी हमारा सुरकंडा देवी पर ब्लॉग आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।
और दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं धनोल्टी इको पार्क के नजदीक। आपको कैमरे से आप देख सकते हैं, आप कैमरा थोड़ा ऊपर कीजिए। हमारे पीछे इको पार्क है। अभी हम आपको अंदर ले जाएंगे कि वहां पर क्या क्या एडवेंचरस प्लेस हैं, आपको बताएंगे वहां पर। और दोस्तों ठंड से होगा बुरा हाल, मेरी शर्ट होगा लाल, इसके गाल होगा लाल, और जो सब्सक्राइब बटन होगा लाल उसको दबाओ और सब्सक्राइब करो चैनल। चलो थैंक यू और वीडियो पूरा बना रही है, चलिए। और देखिए दोस्तों धनोल्टी में ये जगह, यहाँ पे देखो राज्य पक्षी मोनाल, याद कर लो, एग्जाम में काम आएगा बेटा, लिख के ले आगे। राज्य पशु कस्तूरी मृग, और आप देख सकते हैं कस्तूरी मृग, मसूरी वन प्रभाग, इको पार्क धनोल्टी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। दोस्तों यहां पर भी आपको दिख रहे हैं कुछ झूले वगैरह, अगर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आओ तो यहां इको पार्क में आप आ सकते हैं। महानगरों की जिंदगी में गर्मी से हैं परेशान, हाँ तो जरूर आए धनोल्टी और मेहमान। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इको पार्क धनोल्टी, एक बहुत बेहतरीन जगह, बहुत खूबसूरत जगह उत्तराखंड की। टिहरी गढ़वाल में ये जगह पड़ती है, चंबा से मात्र, चंबा से आप आएंगे सुरकंडा, और सुरकंडा से आप धनोल्टी आ सकते हैं 5-6 किलोमीटर दूर। तो जल्दी सुरकंडा पर हमारा नया ब्लॉग वीडियो आने वाला है, तो आप जरूर वीडियो को देखिएगा। और आप देखिए खूबसूरती, देखिए खूबसूरती, देखिए देखिए आप ये खूबसूरती देख सकते हैं। कोहरा लगा हुआ, मौसम ठंडा, अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहें तो आप आ सकते हैं। चलिए आगे आपको दिखाता हूँ। से लग चुकी बारिश धनोल्टी को पार्क में, और अब तक हमने जितने ब्लॉग वीडियो बनाए सब में बारिश लगी, बारिश में हमारा बहुत बड़ा नाता है। श्यामे मलंग सी बाते सुरंग सी रागी उड़ान पे ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आपने देखे चंबा से लेकर धनोल्टी तक कितने पर्यटक स्थल थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, लाल बटन को सब्सक्राइब करो, करते रहो, बाढ़ लगा दो।